नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यूएसबी में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट सेकंड की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पॉइंट के बारे में, लेकिन वो वहीं पर फिनिश नहीं हुआ था। उसके बाद देखो कुछ बातें और जाननी है, जैसे हमारा आता है डिवीजन। डिवीजन विभाजन, ये इंटरसेक्शन शब्द भी इसके लिए काम में लिया जाता है। डिवीजन या फिर विभाजन या फिर इंटरसेक्शन, ये दो टाइप से होता है। एक हमारा होता है इंटरनल और एक हमारा होता है एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक विभाजन व बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। देखो, अगर कहीं भी आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो YouTube में आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। ज्यादा लग रही है तो आप YouTube में ये भी ऑप्शन होता है कि स्पीड को कम कर सकते हो। तो आगे देखते हैं इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन को पहले समझे क्या कि ये होता क्या है। ये ए और ये बिंदु बी, इनके बीच में कोई बिंदु बी फंसा हुआ है। ये दूरी मान ली 30 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी मान ली 20 सेंटीमीटर। अब पी ने क्या किया, यहां पर ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में, ए पी रेशियो बी पी, 30:20, 3:2। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास वही ए है बी है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर थी, 50 लेते। अब क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, बढ़ाने पर बिंदु पी मिला। ये दूरी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर एक पी जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उस पर ये बिंदु हमारे पास नहीं है। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इसको आगे बढ़ाया तब पी आया। तो यहां ए से लेकर बिंदु पी तक और बिंदु बी से पी तक की दूरी कितनी आई, 80:30, रेशियो क्या आया, 8:3। जब आपका बिंदु, जैसे बिंदु पी है, जब आपका बिंदु पी एपी को मिलाने वाली लाइन के ऊपर होता है तब इसे कहा जाता है इंटरनल डिवीजन, और अगर ये एपी को मिलाने वाली लाइन पर बाहर होता है तब इसे कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। यहां क्या किया हमने, एपी को आगे बढ़ाया तब पी आया। लैंग्वेज में फर्क है, कई बार क्या कहता है, बी ए को आगे बढ़ाया। एपी को बढ़ाना मतलब ए से बी पर गए, बी को आगे बढ़ा दिया। बी ए को बढ़ाने का मतलब बी से ए पर गए और फिर ए को आगे बढ़ा दिया। इसी बात को चलो हम अब रिलेट करवाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, निर्देशांक ज्यामिति के साथ इसी बात को रिलेट करवाते हैं। देखो डिवीजन में हमारे पास क्या होगा, दो बिंदु होंगे, मान लिया ए है x1 y1, बिंदु बी है x2 y2, एक तीसरा बिंदु पी जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ये इन्हें m रेशियो n में मान लिया इंटरनली डिवाइड करता है, आंतरिक विभाजन करता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखो वही अपना पैटर्न रहेगा। कहा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो एक बार जरूर देख लें, 10 मिनट का वीडियो है, कि बिंदुओं की क्या अहमियत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने बिंदुओं का, ये ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। अब हमारे पास एक बिंदु है ये और एक बिंदु है ये, बिंदु बी x2 y2, बिंदु ए x1 y1, एक तीसरा बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, मान लिया यहां पर है पी x y। ये डिवाइड करता है इसे m रेशियो n में। इंटरनल डिवीजन कैसे हुआ, AB जो लाइन सेगमेंट है उसी पर आपका बिंदु P स्थित है। अब वही तरीका अपना बिंदु 3 और 4 वाला एग्जांपल आपको याद होगा। बिंदु 3 और 4 में क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहां से ये दूरी x एक्सिस पर है तो इसकी वजह से x1 आ रही थी, यहां से ये दूरी x आ रही थी इस बिंदु की वजह से, और ये वाली दूरी हमारी आ रही थी x2। ऐसे ही परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ किया y एक्सिस पर, ये 90 डिग्री पर कट करेगा, ये वाली दूरी आ गई y पर, यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो ये वाली दूरी थी ये हमारे पास आ गई y, और यहां से ऐसे ही
ये वाली जो दूरी है ये हमारे पास आ गई y। एक एक बात को एकदम डिटेल में समझेंगे, हर बात रिलेट करवाऊंगा कि ऐसे क्यों किया जाता है। जो आपके अंदर वाई और व्हाट वाला क्वेश्चन होता है उसका सारा जवाब आपको मिलेगा। देखो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दूरी x है, ये x1 है, तो इसे कहा जा सकता है x माइनस x1। ये दूरी x2 है, ये दूरी x है, तो इसे हम कह सकते हैं x2 माइनस x। ऐसे ही देखो यहां तक y, ये y1, तो ये जो गैप बना यहां से लेकर यहां तक का, ये कहा जा सकता है y माइनस y1। ये कंप्लीट दूरी y2 है, ये दूरी y है, तो ये गैप हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1। एक सिंपल सी बात आपको पता होगी कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और तीसरी लाइन इनको कट करती है, दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन कट करती है, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जैसे दो पैरेलल लाइन है इनको तीसरी लाइन ने कट किया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होता है, रीजन इसका करस्पोंडिंग एंगल होता है संगत कोण। अब यहां पर देखो ये एंगल हमने माना थीटा, तो दो पैरेलल लाइन को तीसरी ने कट किया ये थीटा, तो फिर हमारे पास ये भी हो जाएगा थीटा। अब जरा गौर करना, एक ट्रायंगल ये है हमारा, एक ट्रायंगल ये है, थीटा थीटा 90 90, तो बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से अगर हम कहें कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। जब भी कभी आप दो अलग अलग ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल ढूंढ ले या फिर तीनों के तीनों एंगल ढूंढ ले तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर या फिर समरूप हो जाते हैं, और अगर इसी केस में एक साइड भी शामिल हो जाती है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहां दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स कैसे लोगे, जैसे 90 लिया तो 90 के सामने, 90 लिया तो इसमें भी 90 के सामने, तो रेशियो ऑफ साइड्स भी सेम हो जाता है। तो यहां से देखो सब एक ही पैटर्न में है, थीटा 90 अल्फा, थीटा 90 अल्फा, तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, एम ऑन एक्स माइनस एक्स वन, एम अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और यहां से एन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, एन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, ये बात लिखी जा सकती है। इसको हम सोल्व करें तो देखो एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में। अब फिर देखो यहां से एन एक्स वन इधर आ गया तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स। यहां से फिर देखो एम एक्स एन एक्स, एक्स कॉमन आ गया तो एम प्लस एन कोष्टक में है, तो क्या लिख सकते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, ये क्या आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही एम अपॉन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, अगर हम लोग लिखें वाई टू माइनस वाई, तो हमारा रिलेशन आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू वाई। ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिले, क्या था एक्स और वाई, बिंदु पी के कोऑर्डिनेट। अब देखो ये बात तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिकल बात थी, समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप इन बातों को याद कैसे रखोगे। कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ती हैं आपको, तो उनके कुछ तरीके भी हम लोग देखेंगे कि इनको याद कैसे रखा जा सकता है। तो देखो हमारे पास था ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, बिंदु पी एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, रेशियो था एम रेशियो एन। अब देखो क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करके और रेशियो को यूज करके बनता है, मल्टीप्लाई का पैटर्न दिखा आपको, एम एक्स टू से एन एक्स वन से, एम इधर मल्टीप्लाई होगा एन इधर मल्टीप्लाई होगा। ये का ये पैटर्न जब हम लोग डील करेंगे सेंट्रोइड के साथ या फिर मिड पॉइंट के साथ, तब ये की बातें फिर से रिपीट होने वाली हैं। तो यहां से देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन में ये रेशियो एम प्लस एन, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट और इस रेशियो से बनता है। ऐसे ही यहां पर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपोन में आपका हो गया m प्लस एन,
ये इसका हो गया एक तरीके से याद करने का तरीका। इसी बात को अब रिलेट करवाते हैं देखो मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम एक बात और ध्यान रख लेना, जब ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा बाह्य विभाजन, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, जहां जहां प्लस का साइन लिखा है वहां वहां माइनस का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी बात को आप जैसा पैटर्न बताया है उस पैटर्न के साथ डील करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट mx2 माइनस mx1 अपॉन में m माइनस n, my2 माइनस my1 अपॉन में m माइनस n। अब इसी बात को हम रिलेट करवाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के साथ, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट के साथ देखो, मिड पॉइंट थ्योरम जो ज्योमेट्री वाली है वो नहीं, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। मिड पॉइंट मध्य बिंदु, देखो क्या होगा, ये बिंदु हमारा ए एक्स वन वाई वन, ये बिंदु बी एक्स टू वाई टू। मान लिया बिंदु बी इसका मध्य बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट है तो एपी बराबर बीपी होना ही पड़ेगा, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये भी 5, तो एपी रेशियो बीपी क्या लिख सकते हैं, 1:1, 1:1 आ गया। अब देखो करते क्या है, इसके बाद ये वाला इधर पैटर्न मल्टीप्लाई और ये वाला इधर, पी के कोऑर्डिनेट देखो 1 × x2 + 1 × x1, ऊपर क्या आ गया x1 + x2 / 1 + 1 2। ऐसे ही यहां पर देखो 1 × y2 / 1 × y1, तो ये आ गया y1 + y2 / 2। ये हो गया मिड पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डील करेंगे कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, पैटर्न बिल्कुल आपको रिलेट करवाया जाएगा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किए जाते हैं, कुछ बातें इन सेंटर सरकम सेंटर से रिलेटेड देखेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेफिनेट यकीन मान के चलो कि जो 10 सवाल पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट में, उनमें ये मानो कि 5 सवालों के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं डिवीजन वाले। पेपर उठा के देखो 2017 के जो प्रीलिम्स के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते होंगे, मेंस के पेपर होंगे, तो डिवीजन आपको मिलता है। कुछ बातें मैं आपको फिर रिलेट कराऊंगा कि कैसे इन बातों को फील किया जा सकता है, तो आप फील करेंगे, और फिर लास्ट में एक तरीका बताऊंगा कि किस हिसाब से ऑप्शन से आप आंसर चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो और मैथ्स के लिए आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का धन्यवाद।